इस वक्त की बड़ी खबर मुंडावर से आ रही, जहां मुंडावर थाना पुलिस ने बुधवार को क्षेत्र के गांव रैनागर के पास रिश्ते में अपने भाई पर फायरिंग कर फरार हो जाने वाला आरोपी को 12 घंटे में गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त कर ली। थाना प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि आरोपी करण सिंह 29 वर्ष पुत्र बनवारी लाल जाट निवासी इंद्राना बांसुर ने यह मंगलवार को रिश्ते में अपने भाई जयसिंहपुरा पनियाला निवासी दिलीप जाट पर फायरिंग कर फरार हो गया था, जिसे घटना के 12 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने पैसे के लेन देन पर बाइक से बिरसू गवास मुंडावर आने के दौरान बीच रास्ते में गांव रैनागिर के पास दिनदहाड़े फायरिंग कर फरार हो गया था। पुलिस ने मंगलवार को ही आर्म्स एक्ट एवं 307 IPC की धारा में मामला दर्ज कर लिया था। 18 अक्टूबर 2022 को समय करीब 11:30 बजे मेरे टेलीफोन सूचना मिली कि रैनागिरी से शोपुर की तरफ एक गन शॉट हुआ है। इस सूचना पर मन थाना अधिकारी मैं जाप्ते के तत्काल मौके पर गया। मौके पर एक मजरूह दिलीप घायल अस्पताल था, उसको तत्काल प्रभाव से उठाकर प्राथमिक उपचार हेतु CHC अस्पताल लेके आया। गन शॉट उसकी कमर में लगा हुआ था। गन का जो गोली थी वो कमर में काफ़ी भीतर जा चुकी थी। डॉक्टरों के द्वारा उसको अलवर रेफर किया गया। उसके द्वारा दिए गए पर्चा बयान के आधार पर मुकदमा गंभीर धाराओं में दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। उच्चाधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। श्रीमान SP साहब भिवाड़ी श्री शांतनु कुमार सिंह, एडिशनल SP निमराना श्री जगराम जी मीणा साहब, CO निमराना श्री महावीर सिंह जी शेखावसवार द्वारा घटनास्थल की पल पल की जानकारी मेरे द्वारा ली गई और श्री प्रत्ताधिकारी महोदय महावीर सिंह जी शेखावत व जगराम जी एडिशनल SP द्वारा घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया।